लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सरकार की ओर से कल जो लॉकडाउन घोषित हुआ है उसमें सरकार ने जो पैकेज दिया है ये एक प्रकार से बरगलाने वाली बात है, क्योंकि सरकार ने 3,300 करोड़ रुपया कोविड से युद्ध के लिए जो कुछ आवंटित किए हैं ये रेगुलर बजट में जब बजट अनाउंस हुआ तब का पैसा है जो एक साल में इस्तेमाल होने वाला है। लॉकडाउन के समय जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है और उसका कोई रोड मैप ये सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ सरकार ने आदिवासियों को जो 2,000 रुपये देने की बात की है, पिछले साल से जो उनका 4,000 रुपये का अनुदान है उसको सरकार ने रोक के रखा है पिछले एक साल से, और अब 2,000 रुपये देने की बात हो रही है। जो अलग अलग पेंशन्स की बात सरकार ने की है, सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रही है। जो केंद्र सरकार से पेंशन आती है उसको ही हम एडवांस में देंगे, इतना ही सरकार ने यहाँ पर कहा है। या फिर जो अन्न सुरक्षा में आते नहीं लेकिन गरीब है ऐसे 1 करोड़ लोगों को अनाज ये देना चाहिए, लेकिन उसके बारे में सरकार की ओर से कुछ भी कहा नहीं गया है। स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में हम 1,500 रुपया देंगे ऐसा कहा है, लेकिन उसमें भी जो पहले केंद्र सरकार की 10,000 की योजना थी उसका लाभ हो या फिर अभी जो योजना घोषित की है इसका लाभ हो, ये बहुत सीमित ऐसे लोगों तक पहुंचने वाला है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन के नाम पर महाराष्ट्र में सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को और अलग अलग घटकों को मदद करनी चाहिए थी कोई मदद सरकार की ओर से नहीं की गई है, इसका बहुत गलत परिणाम महाराष्ट्र की जनता पर होगा। लॉकडाउन करने की भले ही आवश्यकता हो या कड़े अनुबंध लगाने की आवश्यकता हो, लेकिन उसके साथ साथ मदद करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार इसमें पूरी तरीके से फेल हो गई है।